Morning students, how are you? I hope all of you are fine at your home. I'm Shalini Chhabra, your English teacher. As you can see that the board behind me, yes, I'm standing here in your own school and giving you online classes from here. Let's have a quick recap of your last chapter, which was kinds of sentences. In that chapter, we learned sentences and their kinds. I hope you remember that and please keep it in your mind also. Let's read our second chapter, which is subject and predicate. Now अब हम देखेंगे कि subject क्या होता है और predicate क्या होता है. First, subject. The subject is the person, animal or thing that does the action. जो subject होता है वो एक person होता है, animal हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है जो क्रिया कर रही है. A subject is someone or something that is being talked about in a sentence. जो subject है वो कोई चीज़ हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में sentence में बात की जा रही है. It is always a noun or pronoun. जो subject होता है वो हमेशा या तो noun होगा या pronoun होगा. Noun और pronoun, संज्ञा और सर्वनाम. संज्ञा जिसके अंदर कोई नेमिंग वर्ड यूज़ करते हैं और प्रोनाउन जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं. इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल एंड मे कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है. नेक्स्ट इज प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या होता है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है. इट मस्ट हैव हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब. जो प्रेडिकेट होता है उसके अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है. अ प्रेडिकेट मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो प्रेडिकेट होता है वो भी एक वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब शब्दों का समूह. अब हम इसको सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और इससे समझेंगे कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट एंड सेकेंड हमने लिखा यहाँ पर प्रेडिकेट. फर्स्ट है श्रेया. श्रेया अब यहाँ पर क्या है? नाउन है. तो जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर नाउन और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं और एक का होना ज़रूरी है. तो श्रेया क्या है? हमारी संज्ञा, नाउन है. इसके लिए हम जो इसका प्रेडिकेट है उसके अंदर देखिए, हेल्प्स हर मदर इन द किचन. तो हमें कैसे पता चलेगा प्रेडिकेट है? क्योंकि जो प्रेडिकेट है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होता है. तो यहाँ पे हमने देखा हेल्प्स. हेल्प्स क्या है यहाँ पे? वर्ब. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. सेकेंड इज वी. अब वी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन. और प्रेडिकेट जैसे वी हैव लॉस्ट द मैच. अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि प्रेडिकेट है? यस, हमें पता चलेगा हैव से. हैव है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद ही हमारा वर्ब दे रखा है लॉस्ट. तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट. थर्ड इज द बॉय इन ब्लू शर्ट. जो लड़का है ब्लू शर्ट में. अब ये जो लड़का है वो क्या है? नाउन. तो इसलिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. इज माई कज़न. इज यहाँ पर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब. तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. फोर्थ इज ऑल द पैसेंजर्स. सारे पैसेंजर्स. तो पैसेंजर्स क्या है? संज्ञा है, नाउन है. तो यहाँ पर आ गए आर फीलिंग थर्स्टी. उनको प्यास लग रही है. आर, आर से यहाँ पे हमारा सेंटेंस शुरू हुआ. यहाँ पे आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. देखिए आगे, एज यू माइट हैव नोटिस दैट द वर्ड्स इन द लेफ्ट कॉलम आर द नेम्स ऑफ पर्सन थिंग्स और देयर प्रोनाउन दे आर सब्जेक्ट. ये कह रहे हैं आपने नोटिस किया होगा कि जो लेफ्ट वाला कॉलम है हमने वहाँ पर या तो संज्ञा है या सर्वनाम है, नाउन है या प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है. सिमिलरली इन द गिवन एग्जाम्पल्स द वर्ड इन द राइट हैंड कॉलम. कि जो गिवन हमने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं और जो शब्द है इसके राइट हैंड कॉलम में से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. दीज आर प्रेडिकेट. ये सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं हमें. तो ये क्या है? प्रेडिकेट. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, आपको वो करनी है. स्टे सेफ, स्टे होम. बाय बाय, टेक केयर.